राधा कुंड श्याम कुंड की आप लोग श्रवण किया, राधा कुंड श्याम कुंड कैसे प्रकट हुआ पूरिया आप लोग सब पंडित सब जानते हो, इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग यहीं पर सब भजन किए, सब लोग ने यहाँ तक भी हमारे गोस्वामी लोगों को छोड़ दो, यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमारा जो प्रयोजन आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी यहीं पर बैठ करके राधा कुंड को साक्षात रूप में राधा रानी मान करके, ये कुंड स्वयं राधा रानी, श्याम कुंड को साक्षात कृष्ण कुंड मान करके कृष्ण स्वरूप मान करके यहीं पर भजन करते थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। यहीं पर बैठ करके उन्होंने ग्रंथ लिखे जिसका नाम है विलाप कुसुमांजलि। विलाप मतलब तो रोना, कुसुम मतलब होता है फूल, अंजलि मतलब हाथ में अंजलि करके, जैसे हम ठाकुर जी के चरण में एक एक फूल पुष्प प्रदान करते हैं, उन्होंने एक एक श्लोक को एक एक पुष्प रूप में एक एक श्लोक को उन्होंने श्री राधा रानी के चरण में उन्होंने अर्पण किया, इसलिए वो ग्रंथ जरूर आप लोग पढ़िएगा। वो जो ग्रंथ में महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं और एक बार आकर वो जो दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं, वो कौन सा प्रेम प्रदान करते हैं है? जिसको ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु वो तो दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं राधा रानी की पाल्य दासी बन करके। इसलिए उसमें सखियां तीन तरह का है, एक तटस्थ, एक स्वपक्ष, एक विपक्ष है। मतलब तटस्थ कौन है, जो राधा को भी प्रेम करते हैं कृष्ण को भी, ये ललिता विशाखा है, यद्यपि दोनों को प्रेम करते हैं बराबर लेकिन राधा रानी की तरफ में थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है। एक होता है विपक्ष जो केवल कृष्ण को ही प्यार करते हैं राधा जी को नहीं, एक होता है स्वपक्ष, स्वपक्ष मतलब केवल राधा रानी को ही ये प्रेम करने वाले और किसी को नहीं है। कृष्ण अगर उनको अकेला देख कर कभी बुलाए ना, कृष्ण को ये डांट लगा देते, बोले नहीं हम आपसे मिले नहीं मिलेंगे नहीं है। इसलिए जो राधा रानी के पक्ष होकर के केवल राधा रानी के सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी है, इसका मतलब क्या कृष्ण को प्रेम नहीं करते, बोले नहीं। कृष्ण कैसे संपूर्ण प्रसन्न होंगे वो राधा रानी को पता है, जब राधा जी की अनुगत्य करके सेवा करके कृष्ण को पूर्ण रूप में आनंद केवल यही लोग प्रदान कर सकते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी यहीं पर बैठ करके वो दिव्य ग्रंथों को उन्होंने यहीं पर उन्होंने लिखे दिव्य ग्रंथ को बैठ करके। और जब राधा रानी कभी मान कर लेती थी, श्याम सुंदर क्या करते थे राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, कुंड स्वयं राधा जी के स्वरूप है, इसलिए कृष्ण त्रिसंध्या इसी कुंड में स्नान करते हुए, त्रिसंध्या स्नान करते हुए राधा रानी के मंत्र को जप करते थे। हम राधा रानी को कैसे, हम राधा रानी को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं है? इसलिए जिसलिए हमारे गोस्वामी लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहीं पर बैठ करके राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में बैठ कर जब भजन करते थे एकदम धूप में, हाँ चिलचिलाए धूप में, राधा रानी स्वयं आकर के उनका सर के ऊपर में ऐसे कपड़ा हाँ छाया करके स्वयं से राधा रानी खड़ी रहती थी, पास में बाघ आकर के पानी पिया करते थे हैं। इसलिए जिस चीज को श्री सनातन गोस्वामी ने देख करके रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले तुम राधा रानी को क्यों इतना कष्ट देते हो, बोले क्या देता हूँ, बोले मैंने देखा तू जो भजन करते हो राधा रानी स्वयं आकर के तेरे सर के ऊपर कपड़ा ढक करके राधा रानी खड़ी रहती है, हाँ मैंने देखा तेरे पास में बाघ को पानी पीते हुए देखा। तो उन्होंने फिर यहीं पर उन्होंने एक कुटिया बना दिए, बोले यहीं पर किससे जी कुटिया है, कहते फूस का एक कुटिया बना दिया पता पता दे करके, फिर यहीं पर बैठ बैठ कर रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे, यहीं पर बैठ बैठ कर रघुनाथ दास गोस्वामी। और यहीं पर इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहीं पर बैठ करके विश्वनाथ चक्र ठाकुर उन्होंने भजन किया, सारे टीकाओं को लिखे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहीं पर अभी हम जाएंगे जहाँ पर भजन करते थे, वहीं यहीं पर बैठ करके श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्होंने सारे चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उन्होंने यहीं पर बैठ करके भजन किया। वहाँ पर जीव गोस्वामी का घेरा, यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी भी यहाँ पर भजन किया है। नरोत्तम श्यामानंद इन सबके सब हमारे संप्रदाय में जितने संत हुए हैं सबके सब राधा रानी के चरणों का आश्रय करते हुए यहीं पर भजन किए। जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ भजन करते थे उस समय कीचड़ कीचड़ था है, कीचड़ कीचड़ था, इसलिए उन्होंने देखा लोग तो आते हैं महाप्रभु आकर के, किसको पता ही नहीं था राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ सब अंतर ध्यान हो गया, धीरे धीरे महाप्रभु को सब पता, उन्होंने खुद प्रकाशित किया। उन्होंने पूछा ये राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ पर, बोले यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, एक काली खेत और एक गौर खेत, बोले ये काली खेत नहीं
ये कृष्णा कुंड है, ये गौर खेती नहीं, ये राधा कुंड। महापुरुष स्वयं जाकर के पहले राधा कुंड में आचमन लिए, फिर कृष्ण कुंड में आचमन लिए, फिर श्री राधा कुंड में आचमन लिए। बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड की, महाप्रभु ने ये दोनों कुंड को प्रकाशित किया। लेकिन उस समय खेती रूप में था, तब रघुनाथ दास को स्वयं सोचते थे अच्छे तरह से अगर बंध जाए पत्थर से, कितना हजार हजार लोग आ रहे हैं स्नान करेंगे अच्छे तरह से, इनके मन में इच्छा हुई है। इतने में एक बहुत बड़ा एक कोई सेठ था, बहुत सारे रुपया पैसा लेकर के कहीं बद्रीनाथ में जा रहा था उनका सेवा के लिए। उनको ठाकुर जी स्वप्न दिए, बोले देखो तुम राधा कुंड में ले जाओ, वहाँ पर एक रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे, उनको ये पैसा देना, वो राधा कुंड श्याम कुंड अच्छे तरह से बांध देंगे। जब उनको पास में लेकर के आए, बोले हाय रे मैंने ये क्यों इसमें फंसा, कहाँ ये चिंतामणिमय राधा कुंड तटकता है कुंज सत सत, यहाँ पर तो चिंतामणिमय राधा कुंड तट है, जहाँ पर वृक्ष ऐसे जिसमें सुंदर मोतियाँ जिसमें होती हैं, जिसमें सुंदर हीरे जवाहरात, पेड़ में हीरे जवाहरात होते हैं, ये साधारण वृक्ष नहीं। क्योंकि जब राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हो गया, ये जोग माया ने वृंदा देवी का आदेश दिया, बोले वृंदा तुम ये राधा कुंड श्याम कुंड को इतना सुंदर बनाओ, पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ स्थान और सबसे सुंदर स्थान होनी चाहिए। तब श्री वृंदा उन्होंने चारों तरफ में सुंदर सुंदर लता पत्ता पुष्प से एकदम भर दिए, और चारों तरफ में उन्होंने सुंदर सुंदर चार तरह का कमल का फूल खिलता था, जिसमें राज हंस क्रीड़ा करते थे, चारों तरफ में सुंदर सुंदर झूला डाल दिए चारों तरफ में, इतना सुंदर एक साथ में छह ऋतु यहाँ पर बहता था, इतना सुंदर राधा कुंड श्याम कुंड अद्भुत रूप में उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड बनाया। पृथ्वी का सबसे सुंदर सबसे बढ़िया स्थान उन्होंने श्री राधा कुंड श्याम कुंड को बनाया, और राधा कुंड श्याम कुंड पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ स्थान। बोले गिरिराज गोवर्धन कौन है, बोले ये कृष्ण है। लेकिन उनका दो आंख कौन है, बोले ये राधा कुंड श्याम कुंड के दो आंख है, इसलिए शरीर सुंदर है। अगर तुम्हारी आंख नहीं तो क्या है, सब बेकार है, सब बेकार तुम्हारी। इसलिए जो राधा कुंड श्याम कुंड इनकी आंख है, राधा कुंड श्याम कुंड, इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ स्थान। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, निज निकट निवास देही गोवर्धन पूर्णत्वम, हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके अपना तलेटी में श्री चरण में स्थान दो। बोले क्यों, बोले राधा कृष्ण की जो प्रमोद मदन लीला, जितने सुंदर सुंदर श्रृंगार रस की लीला राधा गोविंद आपकी इसमें लीला की है, यहाँ पर सुंदर सुंदर कुंज बनाए, ऐसे ऐसे कुंज जो एकदम पीले रंग के, लाल रंग के, नील रंग के, इतने सुंदर कुंज बनाए, जब कुंज में कोई प्रवेश करेगा ना तो कुंज का रंग इनका शरीर का रंग एक हो जाता था, पास में खड़े होकर के देख नहीं सकता अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर कुंज प्रकट की। इसलिए ये चारों तरफ में जो कुंड है ना, कुंड नहीं है, ये सब ललिता विशाखा चंपक लता तुंगविता चित्रा सुचित्रा रघुदेवी सुदेवी सब ये सब कुंज है, कुंड रूप में नहीं, अब कुंड रूप में परिवर्तन हो गया, ये चारों तरफ में सात सारे सखियों की ये कुंज चारों तरफ में बना हुआ। इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड अपराकृत दिव्य स्थान श्री राधा कुंड श्याम कुंड, लोग यहाँ पर आए प्रणाम करो राधा रानी के चरण में, प्रार्थना करो हे राधे एक दिन तुम्हारी चरण की सेवा हमें प्राप्त हो, और तुम्हारी सेवा करते हुए हम ये जीवन को धन्य से धन्य बना सके। बोले श्री राधा कुंड की, बोले श्री श्याम कुंड की, बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, शरण गोस्वामी की, निताई गौर प्रेमानंद हरी हरी।